अरे किसको असफलता कहते हो? मैंने दो एग्जांपल दिए ना, असफलता और सफलता के बीच की दूरी आपको पता हो जानी चाहिए प्रयास करने के बाद में। और व्यक्ति है काली खोपड़ी वाला, जिस दिन जिद कर लेता है ना, जिस दिन ठान लेता है मन में कि दीपक बन सकता है, ये शंकर लाल बगड़िया बन सकता है, ये नवजीवन बन सकता है, ये टीम बन सकती है, विद्यार्थी बन सकता है। और आप जैसे हो वैसे लोग मिलेंगे, आप जैसे हो वैसे आपके मित्र मिलेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। यदि पढ़े लिखे व्यक्ति और किसान के बेटे हो, जाकर के खेती भी करोगे तो बहुत सुंदर करोगे यार, इसलिए जीवन में हारने की कहां जरूरत है। संस्कारी रह करके संस्कार का वितरण सही सलामत कर दो अपने छोटे भाई बहनों को, आने वाली पीढ़ी को। यार आपसे बड़ी कोई सफलता ही नहीं है। इस समारोह का हीरो, या यूं कहो कि निश्चित रूप से मैं एक मेरी ऐसी पहली उपलब्धि को आज सम्मानित करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि जिसने निश्चित रूप से कुछ अलग किया है, अलग इन सेंस दिल से अलग किया है, अलग इन सेंस भाग्य से अलग किया है, अलग इन सेंस समर्पण भाव से अलग किया है। मैं एक एक डिफाइन करके आपको बताऊंगा। कल जैसे ही मुझे अतुल जी ने बताया था रात को इसका जब रिजल्ट आया, तो निश्चित रूप से मैंने कहा कि इसका रिजल्ट, मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ कि मुझे आप इसका रिजल्ट ऑनलाइन भेजें, मेरे पास व्हाट्सअप करें कि जो ऑनलाइन रिजल्ट निकला है, क्या बार्क में भाभा रिसर्च सेंटर में, जो भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है, अलग इन सेंस जो बात कर रहा हूँ, इसकी उपलब्धि इसलिए भी अलग है कि देश के लिए कुछ करने का इसको बड़ा मौका मिल रहा है। एक बार ताली बजा दो इसके लिए। इसकी हिस्ट्री की तो मैं बात करूंगा अभी आपसे, मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। तो मैंने इनसे कहा था कि मुझे भेजो, तो उन्होंने भेजा, मैंने वास्तव में खुद ने देखा, 150 में से 146 मार्क्स इसके थे। तो तीन बच्चों के साथ भारत में हैं और वो तीनों बच्चे एक सिचुएशन में हैं, लेकिन ये स्थिति प्राप्त करना, एक जज्बे के साथ ये काम को करना, मैं आज कह रहा हूँ यदि ये इसी जज्बे को कायम रखेगा, मैं गुरु और सरस्वती के आशीर्वाद से बोल रहा हूँ, भगवान शिव का महीना चल रहा है, इसकी और कलाम साहब की हिस्ट्री में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बस एक जज्बा आप यदि रखते हैं तो उपलब्धि का पैमाना हो सकता है कि उनका साइंटिस्ट के रूप में दूसरा पैमाना हो, सफलता का एक नया पैमाना हो। ये आपको इसलिए कह रहा हूं बेटा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये सेमिनार, लेकिन ये अलग सेंस में है, सफलता अलग सेंस में है। सबसे पहले तो कल मुझे बताया तो मैं श्रावण मास में महामृत्युंजय जप के साथ, मुझे 10-12 पंडित लोगों के साथ मैं पूजा में बैठा हूँ, तो मुझे कल इन्होंने कहा, तो मैंने कहा महाराज जी मुझे 1 घंटे के लिए जाना पड़ेगा। बोले आपको पूजा बीच में नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा मेरी इससे बड़ी वो पूजा है, भगवान मुझ पर तब राजी होंगे जब एक बहुत बड़ी सफलता मेरा एक विद्यार्थी लेके आता है और उसके सम्मान समारोह में मैं यदि शामिल नहीं हो पाता हूँ, तो उस भगवान से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि वो भी मेरी पूजा का एक द्वार है, एक माध्यम है, जिसको मैं वर्षों से कर रहा हूँ और उसका फल भी मेरे विद्यार्थियों को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से मुझे आना तय था। मैं जो बात को स्टार्ट कर रहा था बेटा, सफलता का पैमाना तय करने के बाद उसकी खुशी से जो पता लगता है, वही सफलता बड़ी या छोटी तय करती है, उसका पैमाना तय होता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ, आज दीपक जब बोल रहा था तो इसके चेहरे पर जो खुशी थी, इसने जो 3 साल में सीखा था सफलता और असफलता को, यदि ये पहले साल में सिलेक्ट हो जाता तो मैं ये कहता हूँ कि शायद इसमें इतनी परिपक्वता नहीं आ पाती जिससे आज ये बोल रहा है। मैं सुनील जी को कहूँगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी संतान ईश्वर ने दी है। निश्चित रूप से पूर्वजन्मों के कर्म हैं, आपके कर्म भी बहुत अच्छे चल रहे होंगे कि इस संतान के संस्कार भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक बार उनको पुनः कोटि कोटि बधाई देता हूँ, और जिस मंच के माध्यम से माता पिता को जब बधाई मिल जाती है, दिल से ये पूरी टीम बधाई देती है कि बिल्कुल संस्कारित बच्चा था और उसको मोड़ करके हमने सिखाने का प्रयास किया और ये यहाँ तक पहुँच गया। पहले तो बस ये तो सफलता, इसके लिए बहुत बड़ी सफलता नहीं, हमारे लिए भी बहुत बड़ी सफलता है। बार्क में एक प्लांट ऑपरेटर के रूप में, जिसको पूरा संचालित किया जाता है, ये
यकीन मानिए, अब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी सफलता है। देखो कंपैरिजन करके देख लो, अभी सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे एक शादी हुई जिसमें कम से कम 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, शायद उनके चेहरे में भी इतनी खुशी नहीं होगी जो आज इस सफलता प्राप्त करने के बाद मेरे दीपक के चेहरे पे। दीपक एक बार आना आप यहाँ पे ना, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये जो बोल रहा था, ये जीवन में कमाने के लिए बेटा अंदर से दिल और दिमाग का बैलेंस बना करके माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेके लगना पड़ता है, एक पारिवारिक माहौल में जो आपने अभी तय किया है, दिखाया है, समझाया है, आंखों से देख रहा हूं मैं। यही एक पारिवारिक माहौल जिसकी अभी ये बात कर रहे था दीपक, बात कर रहा था कि नवजीवन जैसा माहौल नहीं मिलेगा। मैं ईश्वर से डर के बोलता हूं, ईश्वर को धन्यवाद दे के बोलता हूं, उन माता पिता को धन्यवाद देके बोलता हूं, उन पेरेंट्स को धन्यवाद देके बोलता हूं कि क्या मालूम पूर्वजनों के किस मेरी किस पीढ़ी के कर्म थे कि ऐसी अच्छी टीम जुड़ती है, ऐसे अच्छे बच्चे जुड़ते हैं, अच्छे पेरेंट्स जुड़ते हैं कि निश्चित रूप से हर फील्ड में हर तरीके से जो बच्चे हैं वो अपनी सफलता के साथ यहां से जाते हैं। और यदि कहीं कोई बच्चा एक काम में असफल है तो भी निश्चित रूप से उसने कभी भी नवजीवन को बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि उसने यहाँ से कुछ न कुछ सीखा है, वो किसी और फील्ड में साबित होता है। यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है, यही मेरी उपलब्धि है। जब ये यहाँ तक याद रख रहा था कि कौन सा प्रोग्राम था, शायद ये फर्स्ट ईयर में होगा, जब सबसे पहले 3 साल पहले मुझे जहाँ तक याद है सोहनलाल सेलेक्ट हुआ था, IAS में राजस्थान कैडर मिला था, तब वो एक बार आपको संबोधित करने आया था, उसके बाद की सेमिनारों को ये याद करता रहता है। यही आपके साथ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जीवन का एग्जाम्पल देखने के बाद यदि किसी का खून नहीं खोलता है तब तो बेटा अलग बात है। जीवन की ये जो कह रहा है ये प्रमाणित सत्य है, क्योंकि इसी नीति रीति और लेवल पे चल करके ये अपने माता पिताओं का सम्मान करा रहा, खुद भी अपने आप में गौरवान्वित है, खुद की दिशा तय हो गई है, खुद को एक जीवन का लक्ष्य मिल गया है, वो लक्ष्य आप भी हासिल कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं है आप में और इसमें। मैं जो बात कर रहा था इस बच्चे के लिए, आप ये देखो कि 3 साल में मैं भी बात कर रहा था इनसे, CISF में ये एक नंबर से शायद क्यों पॉइंट चार मार्क्स से इसका सिलेक्शन चूक गया था, हारा नहीं ये। उसके बाद CRPF में क्लियर हो गया था, लेकिन जाने की इच्छा नहीं हुई इसकी, टाइपिंग थी तो टाइपिंग में असफल हो गया, इच्छा तो थी निश्चित रूप से, टाइपिंग में असफल हो गया। फिर BSF में क्या हुआ, BSF में एक नंबर से रह गया, और जब ईश्वर ने दिया तो कौन सी रैंक दी, वही एक और आधा नंबर के बीच का गैप था, उसको भर करके भारत की फर्स्ट रैंक लेके आया है। अब देखो आगे की बात है। फिर देखो भाग्य ने इसका पीछा नहीं छोड़ा, कोरोना का जो टाइम था उस समय एयरफोर्स की तैयारी ये कर रहा था, यहीं से कर रहा था, उस समय इसने रिव्यू देखा था अपना और 65 में से 63 क्वेश्चन सही थे इसके, लेकिन वो पेपर कैंसिल हो गया। आप देखो आप किस, मैंने कहा था ना इन सेंस बात करूंगा मैं आज आपके भाग्य की बात करूंगा, जीवन था आपके सामने, कोई एग्जाम्पल बनाने की जरूरत नहीं है, बनकर के जो तैयार हो गया जिस पौधे के यदि कोई माली फल लगा सकता है तो दूसरा माली भी उसी पौधे के वैसे ही पानी और खाद आपको डालना, आपके पौधे के भी वही फल लगेगा जो दीपक ने अपने पौधे के लगाया है, सफलता का पौधा जिसकी बात कर रहा हूं। अरे किसको असफलता कहते हो, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए ना, असफलता और सफलता के बीच की दूरी आपको पता हो जानी चाहिए प्रयास करने के बाद में, बिना प्रयास असफलता और सफलता के बीच की दूरी इतनी होती है कि आप उसको नाप ही नहीं सकते। ये दीपक तय कर रहा है 0.4 एक नंबर, दो नंबर, दो क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से, जो बच्चा आपके साथ, जो विद्यार्थी आपके साथ तैयारी कर रहा था, बेटियां सुनिए आप, और व्यक्ति ये काली खोपड़ी वाला जिस दिन जिद कर लेता है ना, जिस दिन ठान लेता है मन में,
ये दीपक बन सकता है, ये शंकर लाल बगड़िया बन सकता है, ये नवजीवन बन सकता है, ये टीम बन सकती है, विद्यार्थी बन सकते हैं। बट मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप अपनी परिपक्वता को बढ़ा लें बेटा। जीवन में यही एक दुख का कारण है कि आप अपनी उम्र से 2 साल कम परिपक्व रह जाते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब आपकी परिपक्वता पीछे चलती है। तो आपके एक शब्द लग जाता है, काश लगता है ना, काश यार मैं 2 साल, अब 2 साल यहां रहोगे आप, मान लो 3 साल है, 2 साल है, 1 साल है, जो भी है। तो यदि आपकी परिपक्वता पीछे है तो वो काम नहीं कर पाओगे जो आपको करना है। और यदि आपकी मैच्योरिटी, आपकी मानसिक दृढ़ता का लेवल यदि 2 साल आगे है तो वो कर जाओगे जो नहीं कर सकते। यही समग्र आपके लिए एक गूढ़ मंत्र है जो मैंने मेरे जीवन में देखा है। कुछ नहीं पाया, ईश्वर ने एक ही काम दिया कि मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पिता को मैं 4 साल का जब आपको छोड़ रहा हूं तभी बुला रहा हूं, नीम की छांव आपसे हटा रहा हूं, धूप में जलेगा तो समझेगा। तो नवजीवन तैयार हुआ जब ये टीम मिली, और आप जैसे हो वैसे लोग मिलेंगे, आप जैसे हो वैसे आपके मित्र मिलेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, किसी को दोष मत देना, खुद को अपने आप को दोष दोगे, क्योंकि यदि आप नॉर्थ पोल हो तो साउथ पोल है आपके, वही चिपकेगा आपके, मैग्नेटिक फील्ड वाली बात है। आप जैसे हो वैसे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, विपरीत धारा का व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ेगा। समान मैग्नेटिक फील्ड यदि किसी का है तो वो आपके साथ जुड़ता है। तो ये आज की सेमिनार, अभी मैं कह रहा था कि अभी आपके डिफेंस के एडमिशन चल रहे हैं, मैं अतुल जी से और पूरी टीम से और सेठी जी से जब बात कर रहा था, ये कह रहा था कि मैं थोड़े दिन बात करना चाह रहा था, अभी आपके खेल का एक दिन प्रतियोगिता थी, उस दिन भी आपका मैंने जोश देखा था। मैं कह रहा हूं मुझे जो आंखें दिख रही है ना इस बैच में, बीच में एक बार कोविड आ गया था हमें और सेठी जी ने, मैंने कहा यार तपस्या करता रहे भाई, कभी न कभी आनंद आएगा। कोविड आ गया, फिर अग्निवीर का इस तरह से हो गया, थोड़ा सा लोगों के बच्चों के दिमाग में नेगेटिविटी आई, आज वो नेगेटिविटी भी ठीक हो रही है, आज वो सब चीजें ठीक हो रही हैं। आज नवजीवन डिफेंस का एक एक विद्यार्थी ये साबित कर रहा है कि एक राह नहीं, आप 4 राह अपने हाथ में लेके चलो, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। मैनेजमेंट का सिद्धांत यह कहता है कि प्लान ए, लेकिन प्लान बी भी तैयार रखो। मैं कह रहा हूं प्लान ए और बी नहीं, सी और डी तक तैयार रखो, वहां तक हारना नहीं है। यदि पढ़े लिखे व्यक्ति और किसान के बेटे हो, जाकर के खेती भी करोगे तो बहुत सुंदर करोगे यार, इसलिए जीवन में हारने की कहां जरूरत है। गांव गली मोहल्ले से निकल के आए हो, यदि इतनी समझदारी लेकर के भी अपने आप को, माँ बाप की सेवा भी करोगे तो बहुत सुंदर करोगे, इसको देख के ही आपको सफलता मिल जाएगी। इसलिए हारना, घबराना, डिप्रेशन भूल जाओ, जीवन का कोई विषय ही नहीं है। जिसके हाथ में 4 प्लान हो, मैं कहता हूं किसी किस मैनेजमेंट की बात कर रहे हो यार। अरे जहां से आए थे वहां लौटेंगे तो भी बहुत कुछ बन के लौटेंगे, ये मन में ठान लो, उसके बाद कोई आपको टाल नहीं सकता। लेकिन जहां से आए वहां कुछ खो के लौटते हैं, हम अपने माँ बाप को भूल के लौटते हैं, अपने गुरुजनों को भूल के लौटते हैं, और अपने संस्कार भूल के लौटते हैं, तब चाहे बेटा कितनी बड़ी सफलता आप हाथ में ले लो, उसका कोई मूल्य नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आपको एक बात विनम्रता के साथ, जिंदगी के एक सहज भाव में आपको पाना पड़ेगा। मैं एक बार भगवान बुद्ध की एक बार बात बहुत सिखा बताता हूँ आपको, मैंने बताया भी होगा शायद आपके पास, बोली या नहीं बोली, यदि बोली है तो भी रिपीट करता हूँ। भगवान बुद्ध का एक चेला था जिसका नाम था रंघाई, और वो चोटी पर, कहीं कहानी मैंने सुनी थी, पढ़ी थी, चोटी पे कहीं पहाड़ की चोटी के ऊपर कहीं वो अपनी साधना कर रहे थे। तो रंघाई बुद्ध भगवान अपने गुरु का खाना लेके जाता था रोजाना, तो भगवान बुद्ध उसको कहते थे, वो अपनी साधना में लीन रहते थे, तो उसके बोलने से पहले ही कह देते थे, रंघाई तू आ गया? हाँ गुरुजी मैं आ गया, खाना रख दे कोई बात नहीं सब अच्छा। वो ऑफिस आ जाता। एक दिन आपकी तरह से उस रंघाई को जीवन का मूल सत्य प्राप्त हो गया कि सफलता और असफलता के बीच में 0.4, 0.1, 0.2 नंबर का गैप है, इसलिए डिप्रेशन की तो कोई बात ही नहीं है यार। किस चीज के डिप्रेशन के लिए सोच रहे हो? अरे आईने में
आप जैसा देखते हो वैसा ही दिखाता ना आईना, वैसा ही दिखाता ना। हो सकता है माइनर मिस्टेक उससे हो जाए, बारीक कोई यदि कोई चीज है और वो नहीं दिखा पाए, बाकी सत्य को सत्य जैसा ही दिखाता ना। यही बात है, उस आईने में जब आप अपने आप को सही देखते हो, वो आईना ही आपको गलत दिखा रहा है, खुद का आईना खुद को। मेरे कहने का मतलब समझना कि यदि सफलता और असफलता का बीच का अंतर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आईना झूठ कभी नहीं बोलता। उसमें देखोगे तो आपको कुछ देखना कुछ चाहते हो दिखा कुछ रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि यदि बहुत ज्यादा गैप है, क्या आपको पता नहीं है आपकी आत्मा में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? उसको तो कभी डिप्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना ही नहीं चाहिए यार। बेटा बताओ, यदि सफलता का गैप इतना ज्यादा है तो इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की यार। किस बात का डिप्रेशन ले रहे हो भाई मन में? आप तो प्लान बी के लिए तैयार रहो, सी के लिए तैयार रहो या डी के लिए तैयार रहो यार? सफलता और असफलता में इस तरह की चीज किसके लिए आएगी मायने? एक नंबर से रह गया, आधा नंबर के रह गया, तब थोड़ा सा एक होता है कि यार मैं कैसे चूक गया भाई। ओलंपिक में कोई दौड़ रहा है 100 मीटर पीछे, जहां सेकंडों की लड़ाई होती है, सेकंड के कई हिस्से में फर्स्ट सेकंड रैंक आती है, और वो 100 मीटर पीछे दौड़ रहा था, उसको ओलंपिक में मुझे मेडल नहीं मिला, क्या निराश होना चाहिए क्या? तो खुद का आईना, पहली बात बता रहा हूं, खुद का आईना सही देखना शुरू कर दो। अकेले में बैठ करके मेहनत करना सीख जाओगे और जीवन में कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। जिसको मारवाड़ी भाषा में, शेखावाटी की भाषा समझते होंगे सब लोग, कि आपको डोल देख चालू चाहे। सबसे पहली बात, और जीवन की सबसे बड़ी सफलता ने यार मां बाप के चरणों में रह करके जो वो करें, कोई भूख नहीं मरता है, संस्कारी रह करके संस्कार का वितरण सही सलामत कर दो अपने छोटे भाई बहनों को, आने वाली पीढ़ी को, यार आपसे बड़ी कोई सफलता ही नहीं है। और कुछ नहीं लगता उसमें, कोई डिप्रेशन नहीं आता। आज थोड़ी सी दीपक, क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल खड़ा है जिसने सफलता को बहुत नजदीक से देखा और असफलता को भी बहुत नजदीक से देखा है। इसलिए बेटा, और 3 साल तक बार बार गिरा है उठा है, गिरा है उठा है, और फिर भारत की फर्स्ट रैंक लेके आता है, फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की, प्लान बी सी डी तैयार है। लेकिन अब बात कहता हूं, यहां अपने काम क्या है, पढ़ाई करनी है, माहौल अच्छा है, पारिवारिक माहौल है, सबका चेहरा मुझे अच्छा दिख रहा है बेटा, और सब परिपक्व हो, अपने 2 साल आगे हो पीछे हो, बताओ मुझे आगे हो ने? परिपक्वता के लेवल में कोई 2 साल पीछे नहीं है ना? हमने इतना तो तैयार किया है, इस टीम ने इतना तो तैयार किया होगा। आपका सोच का लेवल 2 साल आगे होना चाहिए। यही अंतर आपको अलग करता है, यही अंतर नवजीवन को सबसे अलग करता है। आप अपनी परिपक्वता का लेवल 2 साल अलग से रखें, किसी की नकल करने में विश्वास नहीं रखें, अपने आप का खुद का आईना खुद देखें। आपको दीपक बनने से कोई नहीं रोक सकता। सीढ़ियों की पहचान करने में बेटा थोड़ा सा जोर आता है। देखो, रंगाई वाली जो बात कर रहा था उसको पूरा करता हूं, त्याग तपस्या के साथ, बीच में छूट गई थी। तो बुद्ध के साथ रंगाई जाता था और भगवान बुद्ध उसको क्या कहते थे, रंगाई तू आ गया। एक दिन आपकी तरह से रंगाई को ज्ञान हो गया, कभी दीपक को देख करके, सर को सुन करके, सेठी जी को सुन करके, अतुल जी की मोटिवेशन को सुन करके, उनकी माँ की कहानी को, पिता की कहानी को सुन करके, उनकी भावुक क्षणों को देख करके, इस टीम के काम करते हुए व्यक्ति को देख करके, अपने माँ बाप को देख करके, अपने दादा दादी को देख करके, कभी न कभी अपने आप के रिश्तेदारों में से किसी सफल को देख करके मोटिवेट होना और असफल को देख करके भी मोटिवेट होना, यदि ऐसा कोई आपको मिल जाए क्षण, उस क्षण का उपयोग करके आप रंगाई बन जाते हैं। तो उसको लगा कि यार जीवन में तो पाना है, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और साधारण तरीके से करना पड़ेगा, और साधारण तरीके से करेंगे तो बहुत कुछ भी बहुत छोटा सा होगा। एक दिन रंगाई को पता लग गया कि बिना अहंकार काम करना पड़ेगा। मूल बात बता रहा हूं आपको, क्या पता लग गया, बिना अहंकार काम करना पड़ेगा। ये मेरे सामने सब रंगाई बैठे हैं,
इसीलिए तो मैं कहता हूं ना कि सामने आपकी शक्ल देख के हमें पता लग जाता है, कम से कम मैं ये आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, घमंड के साथ नहीं कह रहा हूं, कि मैं आपका चेहरा देख के इतना बताने का प्रयास करता हूं मेरे मन को मेरी आत्मा को कि यार इसको थोड़ा सा और मोटिवेट करें, ये सिलेक्शन के नज़दीक है या ये सिलेक्शन से बहुत दूर है, इसको तो अभी कार्ड छाट करके इस पेड को बनाना पड़ेगा। यदि 2 मिनट का टाइम मिल जाता तो पता लग जाता है कि कहाँ क्या कमी है। ये हमारी कोई बढ़ाई नहीं है, ये सब लोग काम कर रहे हैं तो लुढ़कते लुढ़कते महादेव जी हो जाते हैं, काम आप जैसे हजारों चेहरे साल में निकलते हैं। तो बेटा उसको पता लग गया कि बिना अहंकार के काम करना पड़ेगा। एक दिन रंगाई गया तो भगवान बुद्ध ने उसको क्या कहा कि रंगाई तू पा गया। प्रत्येक दिन क्या बोलते थे, रंगाई तू आ गया। उस दिन क्या बोला, रंगाई तू पा गया। उसने कहा गुरुजी आपको कैसे पता लगा कि मैं आज पा गया। बोलो नहीं तुझे अब कोई नहीं रोक सकता, तू पा गया। उसने कहा ये तो बात छोड़ो, मुझे तो ये बताएं कि आपको कैसे पता लगा कि मैं आज कुछ पा गया। बोलो बेटा मेरे प्रिय शिष्य, तू जब जब आता था तो तेरे पैरों की पदचाप मुझे सुनाई देती थी, पट 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 पट। अहंकारी आदमी होता ना तो सीढ़ियों में चढ़ता है तो उसकी आवाज आ रही थी उसको। आज बोलो तेरे पदचाप नहीं सुनाई दी, उसका मतलब तेरा अहंकार खत्म हो गया। हर दिन तो वो बताने की कोशिश कर रहा था कि गुरुजी मैं आ गया था, आपका देखो कितना थक के आया हूं, आपका खाना लेके आया हूं। उस दिन जिस दिन वो पाया उस दिन उसके पद चाप नहीं सुनाई दिए तो उसने अपने अहंकार को मार लिया। बस यही जीवन की उपलब्धि को प्राप्त करने का अंतिम सत्य है। यह दीपक ने करके दिखाया है, ये रंगाई आप सब लोग बन सकते हैं, ये दीपक आप सब लोग बन सकते हैं। यार ठानने की जरूरत है, अरे इस काले खोपड़ी वाले को ठानने की जरूरत है, मन में मानने की जरूरत है, रीति और नीति पर चलने की जरूरत है, मन और ईमानदारी के साथ कर्म करने की जरूरत है, माता और पिता का सच्चे मन से आशीर्वाद लेने की जरूरत है और अपने गुरुजनों के सानिध्य में मेहनत करने की जरूरत है। उसके बाद आपको कोई रोक दे ऐसा संभव नहीं है, ईश्वर आपका अपने आप साथ दे। मैं दीपक के पेरेंट्स को एक बार फिर बधाई देता हूं, इस पूरी नवजीवन टीम डिफेंस एकेडमी की टीम को कोटि कोटि बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों को बेटा बहुत अच्छा, आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि आप ऐसा माहौल रखते हैं जिसमें से फर्स्ट रैंक आप निकाल पाते हैं। इस माहौल के साथ मैं आप सब लोगों को विनम्र विनती कर रहा हूं, सबसे पहले जीवन में आप अपने आप को आदर्श स्थापित तो करें, यार मैं मेरी तरफ से जीवन में कोई गलती नहीं करूं, फिर उसके बाद ईश्वर देगा तो देगा यार, नहीं देगा तो नहीं देगा। क्या मालूम क्या देना चाहता है दीपक की तरह से, क्या मालूम क्या कलाम साहब की तरह से देना चाहता है। ये उसके ऊपर छोड़ दें, आप परिपक्वता के साथ मेहनत करेंगे। मैं निश्चित रूप से पूरी टीम को और आप लोगों से यही आशा रखता हूं कि अगली सेमिनारों में आप ये नवजीवन डिफेंस अपने आप में भारत में अलग नाम तो अमित जी करना है आप लोगों को, ये ईश्वर को निमित मात्र है। अभी ये घोषणा नहीं कर रहे हैं वैसे क्योंकि फाइनल मेरिट आनी बाकी है। 36 बच्चे आप में से एयरफोर्स में सिलेक्ट हो चुके हैं, उनके लिए भी ताली बजाए। तो बेटा बस मैं तो कहता हूं कि यदि जीवन का टारगेट लेकर के इस उम्र में, ये 3 साल होती है जिसको कहते हैं बावली उम्र, नटखट उम्र, ना समझ उम्र, उसमें आप यदि अपना जोश बनाए रखते हैं और सही कर्म में बनाए रखते हैं, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है यार। और अपनी मां बाप का विश्वास बनाए रखते हैं और अपने गुरुजनों के सानिध्य में पूरे मन से सच्चाई से रहते हैं, आपको रंगाई बनने से कौन रोक सकता है यार, नहीं रोक सकता। तो आप पूरी ऊर्जा ईमानदारी से काम करें, एक विद्यार्थी के जो सद्कर्म है उनके साथ जिए, निश्चित रूप से इस सफलता, एक बार जो सोच रहे हो वो सफलता मिल जाएगी ना, उसके बाद जीने का मजा कुछ और आएगा, ये बेटा मन में बिठा लें। और एक मैच्योर विद्यार्थी से बात कर रहे हैं इसलिए मैच्योरिटी के साथ, आपको डंडे से नहीं हाँका जाना चाहिए। सुबह सुबेदार साहब जगाते हैं, ये बहुत मैच्योर और परिपक्व आदमी है और अनुशासित आदमी, अनुशासन की ये बड़ी मिसाल है। तो निश्चित रूप से जब जगाते तो यार बड़े प्यार से खुद उठ करके आप तैयार मिले। जितना जीवन में आप किसी सफलता को पाने के लिए अपने आप को देंगे ना,
वो सफलता आपकी उतनी नज़दीक आती चली जाएगी। जिस खेत को आपने देखा होगा कभी, कोई किसान जितना प्यार करता है उसके एक एक पौधे से, मेरी माँ उस खेत में कुछ करे या नहीं करे, सुबह उठ करके एक चक्कर पूरे खेत में एक एक पौधे से बात करके, एक पेड़ से बात करके, अपने एक एक पशु से बात करके, और एक घंटे की वही उनकी पूजा साधना थी। फिर आते थे चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, ऐसे ही आपके माता पिता करते हैं। तो वो साधना आप अपने कर्म के साथ वैसे ही करने लग जाएं, उठ करके अपने सब चीज़ों को ध्यान में रख करके काम करने लग जाएं, आप कम से कम 365 दिन दें, आपके पास सफलता आ जाएगी बेटा, या आना शुरू हो जाएगी। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा काम करेंगे। अंत में मैं एक बार कोटि कोटि फिर से धन्यवाद और बधाई देता हूँ दीपक को। दीपक, आप इस अपने जोश और जुनून को बनाए रखना, ये आपकी पहली सफलता है, लेकिन ये अंतिम डेस्टिनेशन नहीं है। और जिस रूप में आप में अपना जोश जुनून है, निश्चित रूप से बनाए रखना, देश परिवार समाज इन सब के लिए, आप अपने मित्रों के लिए काम आते रहना, यही जीवन है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।